जो किसान मोर्चा ने जो निर्णय लिया है, खासतौर पे जो एक संगठन है दीप सिद्धू और जो संगठन है मजदूर किसान मजदूर एकता संघर्ष समिति, उसको लेके काफी स्ट्रॉन्गली कहा गया है कि ये हिंसक भड़काने की साजिश थी और जिसमें सरकार सफल रही है। ये कल प्रेस रिलीज में आपके ये लोग के साथ सरकार के पहले से ही सांठगांठ था, क्योंकि ये लोग 13 दिन बाद हमारा जो आंदोलन शुरू हुआ उसका 13 दिन बाद आया था, और ये आने का बाद हमको बैरिकेड के इस साइड में जगह लाखों लोग बैठे हैं, सरकार इसको बैरिकेड के बाहर जहाँ बैरिकेड नहीं है उल्टा साइड में जगह क्यों दिया जहाँ पुलिस कैंप है, पुलिस का अपना पास रख दिया। और ये रोज स्टेटमेंट दे रहा था कि हम लाल किला जाएंगे, पुलिस को सब मालूम है, एक को हम भी बोला था ये लोग सही लोग नहीं है, ये गड़बड़ कर सकता, सरकार को इस पर नजर रखना चाहिए। मगर दुख की बात है तो सरकार उसको और भी छूट दिया, और हमारा ऐलान था कि हम 10 बजे हम परेड शुरू करेंगे, जहां सरकारी खत्म हो जाएगा हम शुरू करेंगे। ये 10 बजे 8:30 बजे वहां से कैसे निकल के आ गया, पुलिस कैसे आने दिया और आना नहीं, एकदम लाल किला तक पहुंचने दिया, लाल किला में एक मक्खी घुस नहीं पाता, 200-300 लोग कैसे अंदर गया, 2-3 घंटा रहा, झंडा फैलाया, झंडा को अपमान किया, ये कितना देर पुलिस देखते रहे। तो पुलिस का अनुमति के बिना इस तरह घटना घट ही नहीं सकता, ये साफ बात है। और जो आदमी झंडा को अपमान किया वो मोदी और अमित शाह का था, तो उसका फोटो आप सब लोग देखा है, उसका नज़दीकी आदमी है, तो वो लोग प्लान किया था आंदोलन के अंदर, दलाल के रूप में घुसा दिया और वो ये काम करके हमको बदनाम किया। 7 महीना जो आंदोलन शांतिपूर्ण हुआ पूरे दुनिया में सारा आगे, आगे इतना बड़ा आंदोलन इतना शांतिपूर्ण रहा, मगर हम अपना शांति आप खुद तोड़ेंगे अपना बदनामी के लिए, तो एक साजिश के तरह किया है। और सरकार हमें हमला करने का मौका नहीं मिल रहा था, आज मौका मिल गया, इस घटना घटने के बाद ही मौका मिला, तो हम अपना मौका तैयार अपना आत्महत्या के लिए मौका तैयार कर देंगे ना, ये मौका सरकार बनाया है दलाली कर। नन मुला जी, अब आप लोग की आगे की रणनीति क्या है? रणनीति सुना हम, एक पॉइंट मांग है हमारा, ये कानून वापस, हमारा आंदोलन कभी बंद नहीं हो सकता, जब तक नहीं पूरा होगा आंदोलन चलेगा, हम लोग बैठेंगे, बैठ के तय करेंगे अगले दिन में, क्योंकि आंदोलन लंबा हो जाएगा लग रहा है, तो लंबा आंदोलन तो योजना बनाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, स्टेज बाय स्टेज करना पड़ेगा, तो स्टेज बना के अगले दिन बैठ के हम लंबा आंदोलन योजना बनाएंगे। अभी तक इसलिए हम तय किया, एक प्रोग्राम तय किया, 30 तारीख गांधी जी की हत्या का दिवस था, शहीद था। हेलो क्या क्या आप क्या सोच रहे हैं कि यूपी पुलिस आपको घटाने के लिए? अब पता नहीं पुलिस आएगी तो बात करेंगे, पुलिस आएगी तो पानी क्यों बंद करा, अधिकारी से बात कर रहे हैं हम। तो कल रात पुलिस इधर आए यार, मेरा फ्रेम नहीं बना, नहीं हमको नहीं मिला पुलिस, यहाँ पता चला के थी लेकिन हमारे साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई, हम बात करेंगे अभी उनसे, पुलिस के अधिकारियों से बात करेंगे। भाई तो पानी तो भाई पानी तो आदमी को जेल में भी मिलता है, ये कौन सी तो वो है, आप पानी जो जन सुविधाएं हैं आदमी का जो अधिकार है वो हो गए, नहीं नहीं यहाँ पे तो है, अभी कहाँ जा रहे हैं, यही है। सर आपका दिल्ली पुलिस का कोई नोटिस मिला है अभी? नोटिस मिला है, उन्होंने वहाँ चिपका है उस पर व्हाट्सएप पे भी भेजा है, उसको पढ़ाएंगे और जो लीगल उसका वो है उसका जवाब देंगे। तो चले आप सम्मान के लिए अभी देखूंगा क्या है, वो एडवोकेट जैसे बताएंगे उस पर करेंगे। तो इधर और पाकिस्तान लग रहा है कि अभी ये करने के लिए भी बोल रहा है जी, मतलब इधर लाल करने के लिए भी बोल करने के लिए, कल अभी आएंगे वे बताएंगे, बुझ जाएंगे, हमारे पास कोई नहीं है अभी, कुछ टाइम वगैरह दिया नहीं, हमारी बात नहीं हुई, वे आएंगे तो बात करेंगे उनसे। अरे रुक तो जाओ, जब आऊंगे जब बता देना, करते हैं ना अभी ले चलते हैं। फरवरी फर्स्ट वीक काट दी गई है, आज पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, कर दी पानी की सप्लाई बंद। सर जो FIR हुई है उनसे क्या कुछ किसानों पे कुछ दबाव है क्या? अच्छा FIR भी ना हो, आंदोलन भी होकर FIR भी ना हो, कौन सा गणित? सर लुकआउट नोटिस भी दिया ना सर। ये क्या हो लुकआउट नोटिस करने के लिए कह रहे हैं? क्या हो लुकआउट नोटिस? हाँ लुकआउट नोटिस दिया। क्या हो देश छोड़ ना जाने से बाहर नहीं जा सकते?
देश से बाहर आए थे, पैसे कहाँ है देश से बाहर जाओ। जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आए थे आंदोलन में, जो जैसे कि बड़ौत से वहाँ गाँव में जा रही है पुलिस, उनसे मारपीट की गई है और धरना खत्म कर दिया गया बड़ौत साइड में, तो सर क्या कुछ मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है पुलिस द्वारा? ये हर बिल ना पास हो, MSP लागू ना हो, देश के किसान की फसल जा। सर जो किसानों में तंबू है वहाँ कुछ संख्या कम हो गई है किसानों की? अरे भैया कहाँ कम हुई? यही गाजीपुर पर सर। अच्छा कम कहाँ होगी, कब होगी सर? दशा दिशा क्या है सर गाजीपुर किसान आंदोलन की? अरे चल तो रहा है ना आंदोलन। आप 1 फरवरी को पार्लियामेंट मार्च कर दिया, अभी रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया सर इसके बारे में? अभी एक देश का बहुत बड़ा बजट है किसानों का। हाँ तो बजट है सर, इसीलिए तो बजट में तो देखेंगे क्या करेंगे। पहले तो साल आपको कानूनी नोटिस आया, क्या सरकार को उसको जवाब देंगे? हाँ जवाब देंगे जी, हाँ देंगे। और आगे कितना दूर आंदोलन चलेगा तीनों कानून, क्या पता कितने दूर चलेगा? तो क्या कहेंगे सर अपनी सफाई में? उसमें तो लिखा है कि आखिरकार क्यों कार्रवाई ना की जाए। कहा कर रहा ना करो। आप अपनी सफाई में कहेंगे क्या? मैं जो उसमें आया होगा उसके जवाब दे देंगे। भैया यही तो दुख है, ये जो भारत की जो तस्वीर है यही तो दुख है। क्यों आदमी कुर्सी के चक्कर में, पद के चक्कर में सच्चाई को सहयोग नहीं कर सके, तो दुख की बात तो है नहीं है? बताइए हम भी बड़े राजी हो रहे हैं भाई, हमारी स्पोर्ट्स वाली बहन है, इन्होंने इतने मेडल लाए, इनके ऊपर मूवी बनी, पिक्चर बनी, उनका जो मैंने काम देखा, मैंने पिक्चर देखी वो कई बार, उनकी मेहनत था भाई, मेहनत। मैंने कहा भाई सच्चाई के लिए इन्होंने इतना करा, तो मैं उनसे उम्मीद कर रही थी कि वो आवेंगी, किसानों के लिए 2 शब्द कहेंगी, उनकी शहादत को नमन करेंगी, लेकिन मेरी उम्मीद जो थी वो ना उम्मीद हो गई, पर चलिए उनकी सोच थी ठीक है। कोई भी बात अगर उन्हें नहीं करनी थी किसानों की, कोई भी सहयोग उन्हें नहीं करना था, लेकिन जो मेरे बुजुर्ग शहीद हुए उनको नमन तो करना चाहिए। जो लेकिन ये बड़े इंडस्ट्री के लोग हैं, जो फिल्म बनाते हैं, सलमान खान है, बड़े बड़े अमिताभ बच्चन है, बड़े बड़े एक्टर है, इन्होंने भी एक दिन भी लाइव आकर ये नहीं कहा कि भी जो हमारे भैया सलमान खान का तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा चलते चलते देखा, कुछ कहो किसानों के फेवर में? मैंने थोड़ा थोड़ा सा देखा, हो सका कि मैंने गलत देख लिया, लेकिन मैंने थोड़ा सा देखा। लेकिन जिनने भी फिल्म इंडस्ट्री के नेता, फिल्म इंडस्ट्री के जितने अभिनेताओं ने ना किसान आंदोलन को सहयोग नहीं करो, किसानन को सहयोग नहीं करो, मैं अपनी व्यक्तिगत राय बताऊं, किसी की मूवी ना देखूं मैं तो बिल्कुल नहीं देखने को। और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ, जो लोग अन्न खाते हैं, आशा करती हूँ अगर इन्होंने सही किया तो आप इनको सहयोग करना, अगर इन्होंने गलत किया किसानों के साथ तो आप मत करना। पूनम जी एक कमेंट आया था मेरी कमेंट बॉक्स में कि हरियाणा सरकार का विरोध कर रही है किसान। किन्ने कही? अब एक बात बताओ, तुम सरकार उनकी बीजेपी की, खट्टर साहब किनके? बीजेपी के है ना। तो अब सारे सवाल, सारे जो जितने भी सवाल हम करेंगे, कोई परेशानी दिक्कत तो परिवार के मुखिया से तो मांगी जाएगी। अब देश के मुखिया हो गए नरेंद्र मोदी जी, ठीक, अब तुम्हारे स्टेट के मुखिया हो गए खट्टर साहब, तो उनसे वो सवाल करेंगे नहीं करेंगे? जब खट्टर साहब से वो लोग मिलने गए तो खट्टर साहब नहीं मिले, अब जब खट्टर साहब उनसे जबरदस्ती मिलना चाह रहे तो किसान नहीं मिला। अच्छा सब बराबर होगा बात अभी करे तो 10वें दौर की बात हुई है तो सरकार भी थोड़ी झुकी है, तो क्या लगता है आपको 2 साल का जो 1.5 साल का उन्होंने टाइम मांगा थी, मैं होल्ड कर दिया इसका तक करता दिया, होल्ड करता दिया दिखे हमारे अंकल ने, लेकिन नहीं एक कदम पीछे सरकार है, एक कदम हम जब एक कदम ही चाह रहा उन्होंने चले, मैं कहे घोटू भैया मैं तो चले ही ना, हम तो यहीं बैठे आंदोलन कर रहे, हम तो एक भी कदम चले ही ना, वे जो कानून पास करे इन्होंने कदम चालू करके तो करे, मैंने नहीं करे, बाबा ने नहीं करे, परेड इन्होंने करी तो रुकना भी तो नहीं पड़ेगा, पीछे भी नहीं होना पड़ेगा, हम का चले जा रहे कहाँ जरूरत पड़ रही चलने की। GST आई चल दिए 2 कदम, नोटबंदी हुई चल दिए 2 कदम, और भी बड़े बड़े कानून ये लेकर आए ठीक चल दिए 2 कदम, अब ये चले ही जा रहे, रुकी नहीं रहे, जनता की राय नहीं ले रहे, किसानन की राय नहीं ले रहे। किसी से पूछा GST क्यों आई तो कह मैं पता नहीं, किसी से पूछो नोटबंदी क्यों हुई पता नहीं, हो सके खजाने में कमी आ गई, खजाने भरने वाले तो तनख्वाह बनका देनी होगी बालकरण की। किसी से पूछा काले कानून क्यों आए पता नहीं, अब पहले ये पता नहीं वाले कानून ने तो बंद करे, कानून वो बना मैं जो किसानन की समझ में आवे, अरे ना पता हो बिना पते के कानून ना बना, तो देश का भला होगा, देश की तरक्की होगी, टैक्स आएगा। 13 होया भैया जवाब नहीं दे रहा, हंस रहा हुआ भला, 18% GST हमारे देश में, बाकी देशों में कितनी है जवाब? ज्यादा उनमें ज्यादा टैक्स देते हैं फिर भी उन देशों, देखो आज ज्यादा मैंने तो नहीं सुनी, 4% है दुबई वुबई में भी,
तुम तो ज्यादा बता रहे हो, नई बात लेकर आयो। जिसे भारत अभी जो है टैक्स अच्छा देता है, फिर भी विकास रुक रहा है। अब कैसे रुक रहा जब जीएसटी इतनी हो गई, बिजली के बिल इतने बढ़ गए, ठीक, एक बल्ब पहले जले कर जब इतने बिल ना आवे 100 वाट का, अब एक 10 वाट की 5 वाट की वो ट्यूब सी जले जब इतने बिल हो गए। उत्तर प्रदेश में सबसे महंगा बिजली का बिल है, इतनी इतनी वो हो, लेकिन जब भी देश के खजाने में कमी है, जब भी कहा कमी है, वो पैसा जो देश के खजाने में जीएसटी में लिया जा रहा बिजली के बिल और बड़ी वे है लिया जा रहा है, उनमें संस्थाओं से लिया गया है, जितना योगदान कोरोना काल में हुआ सारा पैसा देश के किस अच्छे कार्य में लगा, जानना चाहता है भारत, भारत की जनता जानना चाहती है। बिल्कुल, एक लास्ट सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक दैनिक भास्कर ने खबर छापी थी कुछ टाइम पहले कि हरियाणा सरकार गिराने के लिए गुरुनाम सिंह जी ने जो हरियाणा की सामने जाए उनसे 10 करोड़ के लिए कांग्रेस पार्टी वाले। भैया मैंने तो देखे नहीं, और यू जो छापी है यू गलत छापी है, कोई ऐसा किसान व्यक्ति कर सके, ऐसा किसान नेता कर सके, ना मैंने पढ़ा यू चीज, ना मैंने देखी, ना मुझे वो व्यक्ति ऐसे लगते, चढ़ूनी साहब जो है अंकल जी वो ऐसे हमें लगते। जब तक हम पूरी डिटेल खुद ना कर ले में जांच पड़ताल, तो हम कैसे मानेंगे, हम नहीं मान सकते। भी मिला नहीं, क्योंकि झूठी बात का सुराग मिले रहे क्या। अब वो जो जिन्होंने नई खबर छापी है पहले स्टिंग ऑपरेशन ही कर लेते, अब उन पे यह बात का मानहानि का मुकदमा नहीं होगा। किसी व्यक्ति की आप छवि खराब कर रहे हो तो मानहानि का मुकदमा बनेगा नहीं बनेगा, आप उनकी छवि खराब कर रहे हो ना, उनके रिश्वत का आरोप लगा के, तो यह बात पे भी छवि तो नहीं खराब होगी ना, क्योंकि किसी भी तरह की खबर छाप देंगे फिर आगे कौन विश्वास करेगा, कौन विश्वास करेगा। तो इस बात की जो हमारे अंकल जी हैं पूरे के पूरे ध्यान में रखते हुए और इस बात पे उनसे चर्चा करी जाएगी जिन्होंने ये खबर छापी है, क्योंकि सुराग नहीं मिला, झूठ का सुराग थोड़ी मिले करे। 26 जनवरी में ट्रैक्टर आप भी लेकर जाओ, ना लेकर जाऊँ आपको भी आता ट्रैक्टर चलाने, क्यों मेरा ट्रैक्टर तो चलाने से होगा पूरे में, औरतें ट्रैक्टर चलाने लग रही है, कुछ दिक्कत है बात में। जो हरियाणा की लड़की है कहते हैं हरियाणा की लड़की भी लड़कों से कम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे देश की लड़की किसी के छोरे तो छोरी कम ना है, हरियाणा की स्पेशल नहीं, इस भारत देश की छोरी किसी के छोरा तो कम नहीं। तो उनको क्या संदेश देना चाहते हो, जो लोग ट्रेनिंग ले रही है उनके लिए थैंक यू, और जो लोग नहीं ले रही है ज्यादा से ज्यादा लो, क्योंकि जरूरत पड़ सके, जिन्होंने वंश चला दिया, जिन्होंने पीछे भी देश चलाया है, आगे पता नहीं कौन सा रुख लेना पड़ जावे।